पालने में चांद उतरा खूबसूरत ख्वाब जैसा। क्या सब बनोगे यहाँ पर? हाँ? यहाँ पर क्या सब करोगे? डॉक्टर बनेगा। हाँ, और जिन 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 मरीज मर गए ना, उन सब की रक्षा करूँगा। रक्षा करेगा? हाँ। दिल्ली नहीं जाओगे? रक्षा नहीं करूँगा, उन्हें ठीक करूँगा। ठीक करूँगा। और मैं मुंबई का सबसे पहले ठीक करना मेरा जिम्मेदारी है। वो अभी हॉस्पिटल में है? हाँ? हॉस्पिटल में? हाँ, पहले डॉक्टर बनूंगा, फिर ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। जो जो मर गए ना मरीज, उनको भी ठीक करूँगा। ठीक है, वेरी गुड। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। दिल को झकझोर देने वाली और रोंगटे को खड़े कर देने वाली एक समाचार मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। जी हां, बिल्कुल, अगर कोई पत्थर दिल इंसान ही ऐसा हो जो इस न्यूज को देख करके उसकी पलकें ना भीग जाए। लॉकडाउन में यूं तो बहुतों तरीके का चीज आप लोगों ने देखा होगा, कई चीजें सुना भी होगा अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, लेकिन एक ऐसी घटना जिस घटना को देखने के बाद स्वयं अभी मैं आपको न्यूज भी जो बता रहा हूं, खुद को काफी संभालना पड़ रहा है। कृष्ण कुमार चौधरी नाम का एक बच्चा है, उसके माता पिता हरियाणा में ऑटो चला करके जीविकोपार्जन किया करते थे। हरियाणा के गुड़गांव से चला वो व्यक्ति खुद के ऑटो से, जब वहां पे पैसों की तंगी हो गई, लॉकडाउन में धंधे खत्म हो गए, तो घर अपने आसियाने घर की तरफ चला दरभंगा। दरभंगा के बैनीपुर के रहने वाले ये कृष्ण कुमार, उनके पिता रमेश चौधरी जो खुद ऑटो चलाते थे, वो अपने परिवार के साथ उस ऑटो में आ रहे थे और रास्ते में हो गई एक हृदय विदारक घटना। छोटे से बच्चे को कुछ जरूरत समझ में आई, सड़क के किनारे बच्चे को उतारा गया, कृष्ण कुमार को, और ऑटो में ही रमेश चौधरी और उनकी पत्नी छोटी चौधरी तथा उनके गोद में, छोटी चौधरी के गोद में, जिसने दुनिया को अभी तक देखा भी नहीं था, 2 महीने की बच्ची गोद में ऑटो में बैठे थे। इतने में एक पिकअप वैन आता है और रौंदते हुए उस ऑटो को निकल जाता है। सड़क के किनारे खड़ा वो कृष्ण कुमार उस पिकअप को चुपचाप से निहारता रह जाता है। उस बच्चे को इतना भी नहीं पता कि हुआ क्या। हमारे इस जिंदगी के जीवनहार पालनहार माता पिता, हमारी बचपन, मां का आंचल और पिता का साया हमारे सिर से उठ गया। कुछ नहीं समझ रहा वो बच्चा। इस भयानक दुर्घटना में रमेश चौधरी और छोटी चौधरी और एक 2 महीने की बच्ची का जीवन का अंत हो गया, और रह गया तो इस दुनिया की थपेड़ों को सहने के लिए, दुनिया की ठोकरों को सहने के लिए एक मासूम सा बच्चा कृष्ण कुमार। उस बच्चे में वो संस्कार है जो देखते बनती है। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिया। क्या बीत रहा है उसकी परवाह नहीं, यही होता है बचपन, और बचपन का वो भोलापन। सर से माता पिता का साया उठ गया, नन्ही सी जान जो उसकी बहन थी इस बच्चे की, वो भी नहीं रही, बच गया है तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कुमार। और जज्बा वो है, उसने कहा कि जो पुलिसकर्मी हैं जो घायल हो जाते हैं, हम उनका इलाज करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, उन सभी मरीजों का हम इलाज करेंगे जो मर चुके हैं,
यह है भोलापन उस बच्चों में। वो बच्चा ये कह रहा है, उसकी भावना ये है कि हम किसी को मरने नहीं देंगे, ऐसा संस्कार है कृष्ण कुमार का। और जो विपदा आई है उससे बिल्कुल बेसुध बेअनजान, कुछ जानकारी नहीं है कि हमारे पास हमारे साथ हुआ क्या है। गुड़गांव, हरियाणा के गुड़गांव से चला हुआ परिवार रास्ते में खत्म हो जाता है, एक नन्हा सा बच्चा बच जाता है जिसे कुछ पता नहीं होता है कि अब उसकी जिंदगी किस करवट लेगी। जरा आप सुनिए उस अबोध बालक का ये बात, कलेजा मुंह को ना आ गया तो फिर कहना आप। देखिए वो बच्चा क्या कुछ कह रहा है। मन है ना? हाँ। बड़ा होके हाँ। मन लगा करिएगा ना। हाँ। आपको जो डॉक्टर बनना है, आपको कौन बोला है कि आपको डॉक्टर बनना है? मैं खुद सोचा। खुद सोचा है? पापा मम्मी का सपना था? हाँ। मम्मी बोले थी कि पापा बोल रहे थे? अरे मम्मी पापा का सपना नहीं था तो पढ़ना। हाँ हाँ। पर मरे हुए लोगों को ठीक करना बहुत जरूरी है। हाँ। कि इस देश की रक्षा पुलिस करती है। हाँ हाँ। पर लोग सबसे ताकतवर होते हैं, अगर लोग मर जाएंगे। हाँ। तो देश की रक्षा कौन करेगा? हाँ हाँ। अच्छा, तो ये सोच के आपको डॉक्टर बनना है? हाँ। अच्छा, और आपको तो यहाँ पे सब प्यार करते हैं ना? यहाँ पे दादा, यहाँ सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है अभी घर पे? दादा। दादा जी? मम्मी पापा। मम्मी पापा। अंकल? हा? अंकल कौन? अंकल वो जो है सो अंकल थे? कौन वो जो बैठे हुए थे वहाँ पे? तुम बैठे हुए थे? हाँ। वो अंकल है? नहीं, वो मेरे चाचा है। चाचा है? हाँ। अच्छा, और एक बार बताऊं? जी बताइए। बस बस पुलिस ही देश की रक्षा नहीं करते, इंसान तो सबसे ज्यादा रक्षा करते हैं। बस पुलिस ही रक्षा नहीं करते, इंसान भी करते हैं। अच्छा, इधर देखिए बोलिए, इधर देखिए बोलिए। अच्छा, और कौन कौन करता है? डॉक्टर भी? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? आपका नाम क्या हुआ? व्हाट इज योर नेम? तो कृष्णा। कृष्णा।